बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफिस होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। आज माशाल्लाह से बाहर नाश्ता बना रहे हैं। आज बच्चों की है छुट्टी, संडे का दिन है, तो बच्चों ने कहा आज मम्मा बाहर नाश्ता बनाओ और बाहर बैठ के हम इंजॉय करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बाहर बैठ के नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ता इसलिए बना रहे हैं कि मौसम माशाल्लाह से आज बहुत अच्छा है, क्योंकि आज सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए जो ना आज बाहर बैठ के बना रहे हैं। और रेहड़ी वाले भाई को हमने बोला था कि जो ना दरख्तों के लिए मिट्टी लेके आना, तो वो भी जो है ना सुबह सुबह आ चुका है, क्योंकि आज हमने अपने घर में जो दरख्त लगाने हैं आज फिर हम वो मिट्टी डाल के फिर इंशाल्लाह लगाएंगे। तो छोटी सिस्टर भी आज रात से आई हुई है, तो अभी सुबह सुबह वो भी आ गई हमारे साथ बैठ के नाश्ता करेगी। तो लाडो सिस्टर भी हमारी मौजूद है हमारे साथ हेल्प। ये तो अपना पार्टनर है ना नाश्ते बनाने में। ठीक है ना मम। हाँ जी ये ठीक है माशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास तो होती रेत अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैंने कहा ये ठीक है ना मैं मुझे जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेत होती है ना, तो मैंने दरख्त लगाने के लिए एक स्पेशल मिट्टी मंगवाई है। इस भाई को मैंने कहा कि मैंने घर में दरख्त लगाने, क्योंकि फिर वो उस मिट्टी में जलते नहीं, ठंडे रहते हैं, तो जो ठंडा रहता है फिर जो है ना दरख्त अच्छे से होता है, फिर फले फूलेगा और इंशाल्लाह फिर हमारी मेहनत भी जाया नहीं जाएगी, उस सिस्टर की मेहनत भी जाया नहीं जाएगी। बच्चे सब ऊपर चढ़ गए हैं, लेकिन मुस्तफा जो है ना वो डर रहा है कि चाची उतारेगा नहीं, इसको साथ लेके जाना साथ। ठीक है बाय बाय अल्लाह हाफिज़, सबको लेके जाना। और हमारी जो लाडो है उसको अब पता चल रहा है, चले अच्छा चले चल ये ले चल, कहती है हम भी चलें, लेकिन तब तक ना वो वापस आ जाएंगे। भाग के जाओ भाग के जाओ भाग के जाओ। हाँ भाग के जाओ 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 जाओ, बाय बाय। अभी जा रही है उनके पीछे और बच्चे जो है ना वो चले गए हैं रेडी पर, और ये भी उनके पीछे जा रही है। अच्छा है मामू आप नहीं बनाएंगे कड़क वाली, आज आपकी मामू हाथ लगा रही है, सवाद डालेंगे। पर जी सब खिलाड़ी खेल रहे हैं और इधर ऑडियंस बैठकर देख रही है। आप कितनी कितनी टिकटें खरीद कर रहे हैं, मजा आ रहा है मैच देखने का, मजा आ रहा है। हेलो इधर देखो, इधर ऊपर देखो, इधर मैच देख के मजा आ रहा है। अच्छा आपको आ रहा है मजा, नहीं आ रहा। अच्छा बिस्किट खा के मजा आ रहा है, इधर ऑडियंस बैठ के देख रही है, बच्चे कुछ देख रहे हैं और कुछ जो है ना खेल रहे हैं। आज बाल्टी के साथ पानी डाला है कहीं नरम ही ना हो जाए, बुराई कर ही दी थी। और आपको क्या हुआ, चाय ऊपर आ गई, चाय ऊपर आ गई, नहीं ऊपर आई है। क्या है क्या कहती है, अम्मी चाय दे। कहती उठाओ आप ही।
अभी लाइट आ गई है और नानी अम्मा लगा रही हैं जी अपनी सब्जी को पानी, क्योंकि नानी अम्मा ने दी थी खाद। खाद भी जाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सी वाली खाद दी है। यह है जी यूरिया खाद। ये देखिए आपको बारीक बारीक जो है ना दाने नजर आ रहे होंगे, ये वाली खाद दी है, लेकिन कुछ ओवर ही दे दिया, कुछ ज्यादा ही दे दिए नानी अम्मा ने। नानी अम्मा ये खाद आपने बहुत ज्यादा दे दी है, खुद अंदाजा लगाएं। एक जो गट्टू होता है ना उसमें 40 किलो 50 किलो होता है और एक एकड़ को दिया जाता है आधा गट्टू एक एकड़ को, तो ये आपने ज़्यादा दे दिया, कुछ ओवर दे दिया, पौधे जल ना जाएं, इधर भी ज़्यादा दे दिए। चलें अल्लाह पाक खैर करेगा। अब जी तैबा को नाश्ता करवाया जा रहा है, तैबा अपना बिस्किट और उठा कर ले आई और नीचे रख दिया। ये लें चलें, नीचे नहीं रखना, चले खाएं। चेहरे के ऊपर सब कलर लगा के आ गई है येलो वाला ना। हाँ। और यहाँ पर जी मामू गरम कर रहे हैं रात वाला सालन। अभी चाय जो है हमारी वो फाइनली तौर पर बन चुकी है और कुछ लोग पी भी रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर मामी नाश्ता करवा रही है तैबा को और इधर जैनब और विस्मा भी नाश्ता कर रहे हैं पापों के साथ। मामी क्या कह रहे थे उस टाइम? हाँ उस टाइम मैं यही कह रही थी जो रात को मैंने सालन बनाया था ना, बड़ा गड़बड़ हो गई। वो कैसे? अपने प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर लूँ। रात को ना मैंने कहा चलो निहारी बना लेते हैं, 1 kg मैंने निहार 1 किलो ना मैंने चिकन मंगवाया, तो मुझे नहीं पता था कि वो डब्बे में निहारी मिसाला है या फिर कौरमा मिसाला है। अच्छा निहारी मिसाले की जगह कोरमा मिसाला डाल दिया था। हाँ फिर थोड़ा सा आटा भी भुना, मैंने तो समझा वो निहारी मिसाला है, मैंने तो देखा ही नहीं। बस ये शाम जब हो जाती है तैबा इतना तंग करती है, जब मैंने उसमें आटा भी डाल दिया तो मैंने उसको इतना पकाया, मैंने कहा इतनी निहारी को क्या है, गाढ़ी नहीं हो रही, इसको क्या हो गया है। फिर उसके बाद देखा लाची है सब ऊपर आ गई, मैंने कहा आज निहारी मिसाले में ना कुछ ऐड हो गया होगा। तो फिर मैंने इनको इनसे पूछा, मैंने कहा सिस्टर ये क्या है, मैंने कहा मैंने तो निहारी बनाई है तो इसमें लाची है और ये कौरमे का मतलब कि खुशबू आ रही है, फिर पता चला ये कौरमा मिसाला है। अभी कौरमे वाला सालन बना हुआ है, दिखाऊं तो? चलें जी निहारी की जगह कौरमा बन गया, ये भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बंदों ने रोटी खा ली है और अभी है मामू की बारी जी, और मामू का ये स्पेशल सालन। ये देखिए जी हवा कितनी तेज़ चल रही है आज माशाल्लाह, और मामू इधर बच्चों के साथ नाश्ता करने के बाद खेल रहे हैं बच्चों के साथ, हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है और मट्टी हवा में उड़ रही है सारी। कहता कि मेरे साथ आओ गेम लगाओ, मैंने कहा चलो आ जाओ बेटा फिर लगाते हैं गेम, तो वो कहता तुम दो मैं अकेला खेलूँगा। सारी गर्दो गुबार वाली मट्टी चेक करें। असल में ना ये महीने में इस तरह की गर्दो हवा वाली मिट्टी और हवा हो, बिल्कुल इसी तरह ही होगा, और ठंडी ठंडी लग रही है मुझे तो, अब सर्दी लगने लगी, सुबह सुबह तो नहीं सर्दी थी अब सर्दी लग रही है। अभी तक नाश्ता नहीं बना आप लोगों का? अभी तो बन रहा है, हमने खा लिया तो अभी ना मामी लोग और खुद खा रहे हैं। और लाडो खाला आपने? मैं खा लिया मैंने तो। कैसे आप अभी खा रही हैं? अभी खा रही हूं। अपनी सब्जी को पानी लगा दिया सारा? सारा को ठेकर मेरी बहू माई मेरी बेटी। अच्छा आपकी बहू आप और आपकी बेटी, चलें जल्दी जल्दी खाएं। प्लेट में हड्डियां लेके जा रही थी फेंकने के लिए तो सारे कवे ऊपर आ गए, लेके जाओ लेके जाओ जाओ उधर फेंक के आओ, इसको भी उड़ा के ले जाएंगे।
क्या हुआ? कभी ना इसको भी उड़ा के ले जाने वाले थे। आधे उधर बैठे हैं, आधे उधर बैठे हैं। जब बिस्मा प्लेट को पकड़ती है जाके, चलो मैं साथ में चलता हूँ, अब नहीं आएंगे। चलो 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 चलो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नहीं नहीं आते, नहीं आते, आंखें बंद करके जाओ। बस अभी हवा काफी तेज हो गई है तो इसलिए सब बर्तन समेटे जा रहे हैं जल्दी जल्दी। मामी अभी आप अभी भी रोटी खा रही हैं? क्या करूं, दांत नहीं है ना, इसीलिए ऐसा ऐसा खाना पड़ता है। नानी अम्मा ने आपसे पहले खा ली है? मम्मी को पता है मेरे दांत नहीं है, जिस दांतों के ऊपर मैं रोटी खाती हूँ। अभी यहाँ पे चिड़ियों को ये जो मैंने रोटी खा रही थी थोड़ी सी मैं बचा के अपनी तरफ से रखती हूँ, क्योंकि ना उनका भी हिस्सा होना चाहिए, ये मेरी आदत है। और माशाल्लाह से वहाँ पे टीले के ऊपर बकरी है अपना चारा खा रही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मुझे भी बकरियाँ दे और मैं भी सुबह सुबह उसका दूध निकालूँ, नहीं सबसे पहले उनको खाना डालूँ, उनका घास डालूँ, फिर उनका दूध निकालूँ, फिर मैं अपने बच्चों को पिलाऊँ, ख़ास तौर तैबा और मुस्तफ़ा को पिलाऊँ। अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह के ऊपर उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर मुझे बकरियाँ देगा। तीन चार बकरियां अल्लाह पाक दे देना, फिर माशाल्लाह से उनके बच्चे होंगे, फिर बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ये कुछ 5,000 रुपये हैं, एक यूके की सिस्टर हैं, उनके बेटे अली की सेहत याबी के लिए दुआ कर दें ढेर सारी। अल्लाह आमीन। ये इनकी नालियाँ लगी हुई हैं जहाँ से गुर्दे वाश होते हैं, गुर्दे यहाँ से भी वाश किए हैं एक मरतबा, लेकिन फिर जो है ना नालियाँ लगा दी गई हैं, अभी तक नालियाँ निकली नहीं हैं। तो मुखिर हजरात से अपील है मेरी कि इनकी हेल्प करें, मतलब बाकी ने सेहत कामला अता फरमाएं। तमाम लोगों से अपील है कि इनके लिए ढेर सारी दुआ भी कीजिएगा, ये बहुत गरीब पर्सन है, अपने घर के एक ही कमाने वाले थे। फिर पौधे नहीं लगाने? अभी पौधे जो है ना अभी लगाते हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल गई ना, तो मट्टी जब उठा के जाएंगे मट्टी उड़ेगी और रेत भी उड़ेगी, थोड़ा मतलब वो क्या हो जाए, हवा कम हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह पौधे लगाने। दूसरी वीडियो जब बनाएंगे इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, पौधे लगाएंगे जहाँ जहाँ भी लगाएंगे और कौन कौन से लगाएंगे, कहाँ से आया है वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अभी नलके की कितनी सहूलत हो गई है? ऐसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई, टोकरियाँ बहुत सारी ख़राब हो रही हुई पड़ी हैं, तो अभी मैंने इसको देखा नहीं है, हरी मिर्च और अदरक और प्याज इसमें आ गया ना, तो ये एक साइड पे रखती हूँ प्लेट में। मैं तो प्लेट लेके आओ, ये उसमें रख दो, ये टोकरी मुझे लेके आ दो। मामू भी हेल्प करने के लिए आ गए मामी की। मैं रोज़ ही हेल्प करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ऐसा खाना हर किसी को दे, आमीन। प्यार करने वाला और हेल्प करने वाला। क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से मैं आ जाऊँ, ना चला आगे ना, या तो ये बर्तन धुलवा लूँ, सारी मट्टी वगैरह उड़ रही है ना। बर्तन सब मैंने धो के रख दिए हैं, इधर अंदर भी टब भर के मैंने बर्तन धोए हैं, तो अभी इनको मैंने समेटना है, तो झाड़ू भी अंदर का मैंने लगाना है, क्योंकि अंदर तो मैंने आज नाश्ता बनाया नहीं है। मैंने कहा चलो आज संडे है तो बाहर नाश्ता बनाते हैं, लेकिन इतनी तेज़ हवा चल पड़ी है, तो बस फिर यही शुक्र है कि जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लिया। अभी यहाँ पे रख देती हूँ बर्तन, फिर अंदर की सफाई करती हूँ ताकि ये बर्तन भी सूख जाएँ, फिर इनको अपने अपनी जगह के ऊपर टिका। अंदर का झाड़ू लगाती हूँ, पानी पहले लगा के फिर झाड़ू लगाऊंगी। यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब चले गए अपने अपने, कोई फूफो के घर चले।